सुकमा से, जहां पर चिंता गुफा इलाके में मिला 3 किलो का आईडी बम। सर्चिंग पार्टी को निशान बनाने के लिए नक्सलियों ने बम प्लांट किया था, लेकिन सीआरपीएफ 150 वाहिनी की सूझबूझ के कारण नक्सलियों की यह साजिश नाकाम हो गई। आईडी बम के साथ रोड के कुछ टुकड़े और कोडेक्स वायर भी मिला है। अधिक जानकारी में शिवा यादव जुड़ गए हैं। शिवा, अब तक क्या कुछ वहां पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है? जी, मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ 150 बटालियन की जो कंपनी चिंता गुफा में तैनात है, एरिया डोमिनेशन के लिए निकली हुई थी पार्टी, तो कैंप एरिया से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर नक्सलियों ने लगभग 3 केजी का आईडी बम प्लांट कर रखा था, जिसे समय रहते ही खोज निकाला गया और निष्क्रिय किया गया। नक्सली इस प्रकार जो आईडी लगाते हैं, खासतौर से देखा गया है कि जो सुरक्षा बलों की सर्चिंग पार्टी निकलती है उसको कहीं ना कहीं निशाना बनाकर कोई नुकसान पहुंचाया जाए। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शुभ। बुलेटिन।